हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो दिन है उसकी शुरुआत मैंने करी थी बोज़ो को नहला के। तो बोज़ो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, उसके लाइक मिट्टी लगी हुई थी नीचे साइड में, वो लेट के आया था मिट्टी में एक्चुअली में। तो उसे मैं नहला रही थी, यहाँ पे डुगू खेल रहा है। और अब जो है बोज़ो को हमने यहीं रखा हुआ है, क्योंकि बोज़ो पहले गूगल के साथ रहता था। जो आपको उस साइड में रूम दिख रहा होगा दरवाज़ा, वो उन लोग का रूम है। और वो रूम हम लोग का तीसरा रूम है जो कि इस घर को 3 BHK में कंप्लीट करता है। पर ये वाला रूम हमने इनको दे के रखा हुआ था ताकि स्पेसिंग की दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रॉपरली इनको भी एक रूम की ज़रूरत थी। पर अब क्योंकि बोज़ो अकेला रह गया है तो उसे हम नहीं चाह रहे थे उस रूम में छोड़ना, क्योंकि वो हादसा जो हुआ जिसके बारे में पता नहीं यार अब तक लगता है कई बार कि क्या वो होगा, इसका पता नहीं क्या था। उसके बाद फिर यहाँ पे नहा रहा है वो, तो बार बार डुगू आ रहा था। घर पे कोई नहीं था तो मैक्सिमम टाइम हम लोग ही रहते हैं घर पे, मैं, बोजो, गूगल और डुगू। तो ये तीनों ना इतने ऐसे थे कि एक साथ हैंडल मुझसे नहीं होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनके साथ ऐसा था कि एक इंसान की ज़रूरत होती होती है। आपके घर में फैमिली है ना तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, बट यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे आ रहा है ना डुगू, वो काफ़ी ख़तरनाक जगह है। वहाँ से जो है डायरेक्ट सीढ़ी है और रेलिंग भी नहीं है। तो इसको मैं अंदर कर रही थी और बोज़ो को मैंने क्या बोलते हैं अंदर किया है पोछ के, ताकि वो आके इसके साथ खेल ले। तो घर में ना एक वॉइड आ गया है, एक खालीपन आ गया है, क्योंकि वो जो हुआ उसके बाद अपना माइंड हम लोग बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं। मुझसे व्लॉगिंग नहीं हो रही थी, बहुत दिन हो गए मुझसे नहीं हुई। थर्सडे के बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं करी और अभी डुगू फिर से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो खेल रहा है। तो यहाँ पे वो उसे टच करके देख रहा था। तो डुगू को बहुत पसंद है इन लोगों को टच करना, पर वही है कि कई बार लगता है कि काट ना ले, वैसे नहीं काटते। तो यहाँ पे डुगू के लिए मैं खाना ला रही थी और बोज़ो के लिए मैंने छाछ रखी थी कि वो छाछ ले ले। तो वो थोड़ा थोड़ा पीता है और थोड़ा सा उसे ठंडक ठंडक सी लगती है। तो पता है आप लोगों को चीज़ें नहीं हो पा रही थी मेरे से, तो सीरियसली ऐसा हो रहा है कि मुझे इतना अकेलापन लगता है घर में। और उस चीज़ के बाद से ये लगता है कि पता नहीं आए एकदम से, पता है वो एकदम हेल्दी था। कुछ लोग बोज़ो के लिए कह रहे थे कि बोज़ो बीमार था, बोज़ो दिसंबर में बीमार था। और बोज़ो गूगल से बहुत ज़्यादा बड़ा है अगर एज डिफरेंस देखा जाए। और बोज़ो ने जो सहन किया है उसको बहुत प्रॉब्लम हुई है। और गूगल के साथ कुछ था ही नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं था, नॉट अ सिंगल हेल्थ इशू। दोनों एक रूम में थे, अच्छे से थे। कुछ लोगों को लगता है कि वो टेरेस पे रहते थे, तो नहीं, अगर वो टेरेस पे रहते तो मैं उस रूम को ऑक्यूपाई कर लेती, पर नहीं, उन लोगों का रूम था वो। पर अभी फ़िलहाल बोज़ो हम लोग के साथ ही है, क्योंकि वो रूम में जाने का मन भी नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को अगर यकीन ना हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कम है, किसी कोई ऑलरेडी परेशान है, उसे और परेशान करने के लिए बातें बोली जा रही हैं। तो वो रूम जो है मैं आपको बहुत जल्द दिखा दूंगी, पता है मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उस रूम में जाने की, लिटरली मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं वहाँ पर जाके। तो यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही थी और बोज़ो जो है वो अपने काम ही कर रहा है जो करते हैं ये लोग। तो पता नहीं यार, मेरे पास पता है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मेरे इंस्टा पे DM आ रहे थे कि आप लोग सही हो। हम लोग सही हैं, मतलब वैसे सही हैं, पर मेंटली नहीं हैं, क्योंकि जिस बात का हम लोग को लग रहा था हुई वही बात है हम लोगों के साथ। मैं चाय बना के लाई हूँ, राजा ऑफिस गए हुए हैं। मैं बहुत मन लगा रही कोशिश कर रही थी, मैं घर के काम करने में लगी, रात दिमाग टाइम तो मैंने बोज़ो को नहलाया और बोज़ो को उस रूम से अलग कर दिया, क्योंकि बोज़ो जो है वो अकेला रह गया। पहले ही दोनों की कंपनी थी। मेरे पास आ रहे थे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि बोज़ो जो है वो क्या बोलते हैं, बोज़ो की तबीयत ख़राब थी और गूगल कैसे हो गया। तो गूगल का हम लोग को नहीं पता चला कि हुआ क्या गूगल को। उसका हार्ट फेलियर हुआ, रात में अच्छे से सोया था और सुबह उठे तो ये हुआ। बोज़ो की तबीयत ख़राब थी, अभी नहीं है, मतलब ख़राब हो थी, दिसंबर में ख़राब थी जब उसको ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, इंटरनल ब्लीडिंग, स्टोन प्रॉब्लम, तो मेडिसिन से वो गई है।
अब क्या कर रहे हो? फिर वो आपका टीचर खाएगा फिर। तो हमारे पास अभी बोजो है, तो बोजो को मैंने नहलाया और उसके मैंने पूछा है, और फिर मैं से क्या बोलते हैं खाना, मतलब दही दी मैंने, से छाछ नहीं पी उसने, वो भी खाना भी छोड़ के बैठा हुआ है। हम लोगों के भी अंदर खाना नहीं जा रहा है कि कुछ खाएं हम लोग। राजा ने ना पिज्ज़ा ऑर्डर किया, कुछ खा ले, आपको पता है एक एक स्लाइस खाइए और पिज़्ज़ा पूरा का पूरा रखा हुआ है। मेरा सर इतना फट रहा है, मतलब कुछ भी सोच रही हूँ मैं, कुछ भी करने की कोशिश कर रही हूँ ना, मेरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि हुआ क्या, हुआ क्या नहीं समझ में आ रहा है, एकदम सही था, हुआ क्या है। तो अभी राजा टिकट बुक कर रहे हैं, मैं ना अपने घर जाऊंगी थोड़े टाइम के लिए, और बोजो भी जाएगा इस बार, क्योंकि इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, इसकी तबीयत दिसंबर में ख़राब हुई थी, नवंबर में हम लोग घर गए थे। एक दो दिन के लिए हम जाते हैं तो फिर भी चल जाता है, पर अगर मैं 20-25 दिन के लिए जाऊँगी तो नहीं चल पाएगा। तो फर्स्ट एसी की ये देख रहे हैं, और फर्स्ट एसी में आप अपने जो पेट्स हैं वो ले जा सकते हैं। पहले हम बोजो को लेके जाते थे जब घर, तो फर्स्ट एसी में जाते थे। फर्स्ट एसी में जो पेट है उसका ना वेट मेजर होता है, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगते हैं, एंड अगर आपको कूप मिला है तो अलाउ है पेट पेट, अदरवाइज आपको लगेज में लेके जाना पड़ता है। अब गर्मी बहुत हुई और मैं इसे कहीं नहीं छोड़ना चाह रही, मेरा अंदर से मन ही नहीं कर रहा है। मैं राजा से कह रही कि मैं घर जाऊंगी अपना सिर्फ ये करने के लिए कि अंदर से मैं अच्छा फील करूँ, उस बीच में फिर बोजो को भी कुछ हो गया ना, तो बोजो को साथ लेके जा रहे हूँ। तो मैं डुडू राजा और बोजो हम चारों, क्या गिरा दिया क्या अपने बोजो है बेबी ना, बोजो बोजो बैठा हुआ है यहीं पे, और मैंने घर पर कुछ भी साफ ऐसे करके नहीं रखा, और मेरा पूरा बेडरूम फैला हुआ है अभी। तो आके ना वो 4 दिन से इतनी दुख रही है कि मैं बता नहीं सकती, ऐसे डेली रात में होता है कि आप हो रही है। राजा खाना पैक करा के घर में, हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कुछ करती। इसको मैंने सेरलेक दिया है और सेरलेक हो गया, पर निकलना पड़ेगा इन सब चीज़ों से बाहर, क्योंकि क्या बोल रहा मैं, और कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं बोजो और गूगल को टेरेस पे रखती थी, तो नहीं, हमारा जो घर है वो 3 BHK, एक रूम एक्स्ट्रा है यहाँ पे जिसमें किचन और लेग बाथ भी है, वो रूम मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, उसमें रखते थे हम, ये दोनों आराम से वहाँ पे रहते थे। क्योंकि अभी आपने अगर देखा होगा तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं अकेले रहती हूँ, सबके घर में पता है फैमिली रहती है जो देखती रहती है, तो यहाँ पे बेबी और पेट्स को एक साथ संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं अभी बोजो को नहला ही रही थी, उस टाइम पे डुगू बार बार वॉकर से आ रहा था वहाँ पे, तो सीढ़ी वाला एरिया, और फिर मैं उसे पोस रही हूँ तब भी वो उसे पकड़ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। अगर आप सिंगल हो तो भगना पड़ता है, आप तीनों चीज़ें एक साथ नहीं देख सकते, लाइक तो वही हुआ है। अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से, मेरे को बस ये लग रहा है कि काश काश कुछ ऐसा हो कि वो वापस आ जाए, बस मुझे ये लग रहा है कि काश कुछ ऐसा हो वापस आ जाए आ जाए, पर जो नहीं हो सकता बस उसको जो उसका जन्म है अगर होता है तो उसको अच्छा जन्म मिले। और एक 1.5 साल का होगा, चलेगा और खेलेगा, तो वो ना गूगल के साथ खेल पाएगा, क्योंकि गूगल बहुत एक्टिव है और गूगल लाइक प्ले बहुत खेलना पसंद था उसे। बोजो तो बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा शांत है, इवन वो देखिए यहाँ पे बैठा भी हुआ है ना, तो सो गए। और मैंने वीडियो भी डाली और उसके हमें कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो मैक्सिमम ना अच्छे, यहाँ बैठे सोएंगे नींद आ जाएगी, मैक्सिमम जो है वो गूगल रिलेटेड ही है। क्योंकि मैंने देखा था कई बार क्या होता है, जैसे आप रेगुलरिटी में डालते हो तो जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाती है, तो स्टार्टिंग में मोनेटाइज थी, उसके बाद फिर मैंने जाके उसे स्टार्टिंग से नहीं मोनेटाइज किया। वो एज अ फैमिली आप लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इससे पहले ही मेरे पर नाम लग गए थे कि हमने उसे पता है बोलना नहीं चाहिए, मैंने आई थिंक आपसे 10 दिन पहले ही बोला था मत बोलो मर गया कुछ फालतू की बातें जो होती हैं,
लग जाती है, पता है वो बातें। उस दिन मेरे को लगा चलो बच गया, और मैं आती थोड़े दिन बाद और बोलती, तो मुझे पता है कि बहुत से लोग आते बोलते अरे अगर ऐसा हुआ था तो कहाँ है, क्या है, हम नहीं मानते, ये नहीं मानते। तो आज तो फैमिली शेयर करी है, और उस वीडियो को मैंने मोनेटाइज भी नहीं किया कि उससे कोई भी हमें वो नहीं करना है कि हमें उससे कुछ भी अर्न करना है या कुछ करना है। हुआ है पता, चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मेरे 9 महीने जो प्रेगनेंसी के थे, और मेरा ये मेरे लिए पता है बहुत मुश्किल था इन लोगों को संभालना। सिंगल आपने देखा होगा, सुबह से ज़्यादा 10 बजे जाते हैं, 10:30 बजे आ रहे हो रात में। बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं उन्हें वो करती, पर हाँ प्रॉपरली वो अच्छी जगह पे थी, सब थे, खेलते थे हम लोग, प्रॉपर टाइम जो अपना निकलता था वो देते थे। राजा स्पेशली बहुत टाइम देते थे दोनों को। मेरा हो रहा था कि मैं बहुत टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सी सेक्शन के बाद 2-3 महीने तो मुझे दर्द, और उसके बाद से मुझे बैक पेन, बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो कि वैसी हुआ। फिर बच्चे का जो टाइम है, बच्चे को भी अगर कोई एक चोट संभाल लेता तो बहुत टाइम हम लोग दे देते। मतलब इन शॉर्ट घर में मेंबर्स थे पर संभालने वाला किसी को भी, तीनों में से बोलो गूगल डुबो कोई नहीं था। और ये तीनों ऐसे हैं जो कि ज़रूरत वाले हैं, कि उनको ज़रूरत थी, तो इसलिए बोझों को सेव करने के लिए हम उसको अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। कि अब इतने दिन के लिए मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक मिस हैपनिंग हुई है और दूसरी भी हम सफ़र करें। बहुत टाइम से मैंने आई थिंक वीडियो शेयर करी थी कि हो रहा है, हो रहा है। और जिस दिन हुआ है उसके साथ, उसके एक दिन पहले ही मैंने राजा को बोला है, जब राजा कह रहे थे हम लोग को थोड़ा माहौल अच्छा लग रहा था घर का, शायद हमने मूड बनाया था कि थोड़ा ढक्का रखते हैं जब तक कि हम शिफ्ट नहीं हो जाते, क्योंकि घर भी ना खड़े खड़े नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं कि राजा के ऑफिस के पास रहे, क्योंकि मैं और बोजो और डुगू सब अलग क्या बोलते हैं अकेले रहते हैं, और राजा कई बार होता है ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं राजा को बुलाती हूँ, राजा 2-4 मिनट में घर आ जाते हैं। जैसे जब डुगू गिरा था तो हम लोग कुछ चीज़ें थे वो देख रहे थे, सेफ्टी इशू देख रहे थे कि 12-12 घंटे अगर मैं अकेले हूँ घर में तो एक सेफ्टी रहे, बच्चे के साथ कोई आके कुछ ना कर दे ना। और हम लोग के जो डॉग्स है वो पेट डॉग, वो क्या बोलते हैं उसे, पेट डॉग ही बोलते हैं, मुझे पता है दिमाग ही चल रहा है, जो खेलने वाला टॉय डॉग, टॉय ब्रीड से, टॉय ब्रीड है दोनों थे, एक था। तो वो जो है इसीलिए हम लोग कुछ अच्छा देख रहे थे। फिर ड्यूप्लेक्स था, ड्यूप्लेक्स देखा था, आप लोगों को पता है फाइनल हो गया था, सोफा पसंद करके आ गए, नेक्स्ट डे हम लोग को लगा आपको सोफा शिफ्ट कर देंगे, और वो घर त्रिकोणा निकला लाइक उसका वो। उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि ड्यूप्लेक्स मत ही दिखाओ, क्योंकि ये भी इधर भाग रहा है, फिर ये भागेगा सीढ़ी से, कुछ और मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो हमने बोला फ्लैट की जगह सिर्फ सिंगल स्टोरी जो नीचे बने हो वो वाला कोई एक घर दिखा देना, जिसमें 3 BHK निकल जाए, एक इनका निकल जाए, एक हम लोग का निकल जाए, एक डुगू के लिए सेपरेट रूम निकालना होगा आने वाले टाइम में, तो निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं हो पाया, और जिस बात का डर था पता है, बहुत टाइम से बोल रही थी घर किसी को ले जाएगा, ये घर किसी को ले जाएगा, और वो लेके चला गया। बहुत से लोगों में बहुत फुलिश लग रही होंगी और मजाक भी सोचते हैं लोग, पता है लाइफ में होती हैं चीज़ें जो शायद आप लोगों को कभी ना दिखे पर वो चल रही होती है आपकी लाइफ में। एक वो हो गया कि घर में एक वॉइड आ गया है, लाइक एक खालीपन आ गया। मैं जैसे ही क्या हुआ उसके साथ हुआ है, मैं बोझो को फटाफट वो करके आई, बोझो का पूरा सामान हटाया हमने वहाँ से, और मैंने बोला बोझो को मुझे सेव करना है, कुछ भी हो जाए बोझो को मुझे सेव करना है। गूगल का नहीं था यार, गूगल एकदम सही था। बोझो 10 साल का हो जाएगा आने वाले टाइम, लाइक कुछ महीने बाद 10 साल का बोझो हो जाएगा, 3.5 साल का था। केयरिंग की बात कर रहे थे कुछ लोग की केयर नहीं करी, केयर हम लोगों ने खाने पीने से लेके घुमाना वुमाना जितनी केयर चाहिए थी उतना किया है। हाँ ब्लॉग में नहीं कर पाते थे क्योंकि राजा ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, शायद अगर राजा ब्लॉगिंग करते तो दिक्कत आती लोगों को कि वो शूट करते रहते। मेरा मैक्सिमम टाइम यही जाता था कि मैं उसे खिला रही हूँ, जब राजा उसको खिला रहे हैं, मैं रोटियाँ बनाती थी, 10-12 रोटी बना रही हूँ, सब करते थे यार, पता नहीं। और ये भी नहीं, आपको पता है एक सेल्फिशनेस होती है ना, वो भी नहीं दिखाई मैंने, कि अगर मेरे को इन लोगों से प्यार नहीं होता ना, कि कुछ लोगों को लगता है कि प्यार नहीं था, तो अगर मुझे प्यार नहीं होता तो मैं अपना रूम बनवा के टेरेस पे रखती, तो मेरे पास 3 BHK होते। हम छोटे घर के लिए परेशान हो रहे थे ना पहले, तो स्पेसिंग की दिक्कत ही नहीं होती ना, मेरे को पता था वो रूम है, और वो रूम जो है उसमें मैं और राजा रहे हैं,
शादी के 2-3 महीने बाद, क्योंकि एक जो नीचे 2 BHK है हम लोग यहाँ पे, तो एक रूम राजा और राजा की सिस्टर का था जिस रूम में शादी होके मैं आई थी, पर उस टाइम पे वहाँ पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी शादी नहीं हुई थी। और ये हुआ था कि उनको रूम चाहिए था, तो 2-3 महीने में वो रूम बना था। तो वो रूम एकदम अच्छे से, मतलब उसमें ना किचन विचन सब बनी पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे हम लोग एक चाय वाय के लिए रात के लिए, वो इतनी बड़ी किचन भी नहीं थी, तो उनको भी रूम चाहिए था क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टर है घर में तो उन्हें अपना रूम भी चाहिए होगा, तो उनको रूम चाहिए था। तो हम लोग यहाँ आ गए थे, लाइक ऊपर वाले में हम शिफ्ट हो गए थे। काफ़ी बार मैं सीढ़ी से, लाइक मैं एक बार सीढ़ी से गिर गई थी, फुल सीढ़ी से, क्योंकि मेरे को खाना वाना, मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ जॉब करने चली गई थी, मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का, लाइक मेरे फादर इन लॉ जॉब करते थे, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था 2013 में। तो यहाँ से मैं गिर गई थी सीढ़ी से पूरा नीचे, और जितनी बार खाना बनाया जाना पड़ता था नीचे जाना पड़ता था बार बार, और फिर भी मैं अकेले थी, मेरे साथ सिर्फ बोझ था उस टाइम पे, गूगल नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे किराएदार रहते थे, तो ये वाला भी घर था, तो फिर मम्मी पापा का आने का कुछ था नहीं, अगर वो लोग आते तो हम लोग फिर नीचे ही रह लेते, एक रूम पे सिस्टर लॉक की शादी भी होगी थी ना, तो फिर वहाँ पे जो है हम लोग रह लेते। पर वो लोग आए नहीं, वो लोग आए 2021 में, 2015 में हम यहाँ पे शिफ्ट हो, लाइक 6 साल। तो वो ऊपर नीचे वाला सिस्टम बहुत गंदा था, राधे 10:30 बजे जाते थे हम लोग, 10:30 बजे रात में जाना पड़ता था नीचे, खाना बनाने में बना रहे, डर भी लगता था यार कई बार, पता ऐसे अकेला, बहुत बड़ा घर है, घर बहुत बड़ा है। उफो, मतलब इसीलिए यहाँ पे फिर मेरे को लगा, तो उन किराएदार को फिर हमने बोला कि आप शिफ्ट कर दो। उस टाइम मैं प्रेगनेंट भी थी जिस टाइम मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, जो था ये खाली करवाया था, और वो फिर मिसकैरेज हो गया था मेरे से, तो ये 15 की बात है। बच्चे के लिए कुछ रहना पड़ता, पता आपको, मैं रोई वहां रोई यहाँ नहीं रो रही हूँ मैं, क्योंकि फिर से देखता है, अगर मैं रोती हूँ ना बहुत अधिक, अगर मैं खुश हूँ तो ये खुश हूँ, मैं रोऊंगी तो ये रोएगा। और पता आपको, फैमिली में ना बहुत मैटर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हुआ था, हम लोगों को उस टाइम पे इसीलिए नीचे से ऊपर आना पड़ा, क्योंकि एक रूम बहन के लिए चाहिए था जो कि फेयर भी था, क्योंकि एक मम्मी पापा का हो गया, एक उनका हो गया। अगर तो अभी मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड करूँगी, पता नहीं इस ब्लॉग में मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी घर में, बहुत दिन हो गए, अराउंड 4-5 दिन हो गए हमने घर में कुछ भी ऐसा वो नहीं किया, हम लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, और डुगू पे ध्यान देना है, और राजा पे ध्यान देना है मुझे, और बोजो पे ध्यान देना है। तो एक साइड दिमाग मेरा लगा हुआ है, बट डुगू बहुत अटेंशन और बच्चे का बहुत काम रहता है, तो मेरे को अपना माइंड दोबारा से सेट करना पड़ेगा, वापस हमें लाइफ में आना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे आपका पेटी तो गया है, डॉगी तो था, नहीं वो फैमिली मेम्बर था। जब गूगल आया था, गूगल एक अडॉप्टेड डॉग था, अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, तो गूगल जब आया था तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक वीक था, मतलब वो उसी टाइम पैसा था कि वो नहीं बचेगा, बट हमने उसके लिए इतना किया कि वो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी हेल्दी हो गया था, बहुत अच्छे से था। खैर पता नहीं यार, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं लाइफ में, बट एट लास्ट यही लाइफ है। और इससे पहले कि मुझे फिर से रोना आए, मैं थोड़ा ध्यान गूगल बोजो और डुगू पे लगाना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा माइंड रिलैक्स कर रही हूँ। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अगर हो पाती है तो। बाय।